आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल इंडियन फूडी फूडी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बनाएंगे करेले का अचार। तो करेले का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये आधा किलो करेले लिए हैं। करेले हमारी हेल्थ के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ये हम सभी जानते हैं। ये हमारे ब्लड को रिफाइन करते हैं, ये हमारे ब्लड में शुगर को मेंटेन करते हैं, मोटापे को कम करते हैं, साथ ही अगर आपको पतली की समस्या है तो उससे भी आपको निजात दिलाएंगे। तो इस तरीके के फ्रेश करेले हमने यहाँ पर लिए हैं। अब हम इनको कट कर लेंगे। करेलों को कट करने के लिए इसके इंड्स पहले हम कट कर देंगे। इस तरीके से इनको कट करके हटा देंगे और उसके बाद इनको हम गोल गोल शेप में इस तरीके से कट कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके के गोल गोल शेप में हम अपने करेलों को कट कर लेंगे। इसके अंदर जो टाइट वाले बीज वगैरह होते हैं उनको हम निकाल करके इनको इसी तरीके से सारे करेलों को हम कट करके ले लेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से हमने सारे करेलों को अपने कट करके ले लिया है। अब उनको थोड़ा सा स्टीम करेंगे। करेले का स्वाद काफ़ी ज़्यादा कसैला होता है और उसका कड़वापन निकालने के लिए हम यहाँ पर एक कटोरी में पानी ले रहे हैं। इस पानी में हमने 2 से 3 टेबल स्पून विनेगर डाला है और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है। गैस के ऊपर हमने एक पैन रख लिया है जिसमें हम थोड़ा सा करेलों को स्टीम करेंगे। अब जो हमने पानी तैयार किया था उसको इसमें हम डाल देंगे। थोड़ा सा पानी अगर विनेगर में आप डाल देते हैं मिक्स करके, इस तरीके से जब आप अपने करेलों को बॉयल करते हैं तो करेलों का कड़वापन काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है, जिससे हमारा अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब जो हमने करेले कट करके लिए थे उसको इस पानी में डाल देंगे। अब बस 2 से 3 मिनट के लिए हम इसमें स्टीम आने देंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और अपने करेलों को अब हम कवर कर देंगे देखिए इस तरीके से, और इसको कवर करके हम 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसमें अच्छे से स्टीम आने लगे। जब तक करेले हमारे स्टीम हो रहे हैं उतनी देर में हमने यहाँ पर 4 ये मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको भी हम रिंग्स में कट करके ले लेंगे, यानी हम इनको गोल गोल काट करके ले लेंगे। आप चाहें तो यहाँ प्याज को स्किप कर सकते हैं, केवल करेलों से ही अपना अचार तैयार कर सकते हैं। लेकिन प्याज और करेला जब एक साथ अचार में आते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये देखिए, यहाँ पर करेलों में हमारे बहुत ही अच्छे से स्टीम बन चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए, करेलों का पानी हमने स्ट्रेन करके निकाल दिया है। करेलों को इस तरीके से हमने एक प्लेट के ऊपर फैला लिया है। अब हम इन करेलों को 1 घंटे के लिए धूप दिखाएंगे। 1 घंटे से ज़्यादा धूप आपको नहीं दिखानी है, नहीं तो आपके करेले बिल्कुल सूख जाएंगे और आपका अचार टेस्टी नहीं बनेगा। अब इन करेलों को हम 1 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। साथ ही जो हमने प्याज लिए थे उनको भी हमने इस तरीके से रिंग्स में कट करके ले लिया है। इनको भी हम थोड़ी देर के लिए धूप दिखाएंगे। ये देखिए, जो करेलों को हमने बॉयल करके धूप में रखा था वो अच्छे से सूख चुके हैं। साथ ही हमारे प्याज का जो पानी था वो भी काफ़ी सूख चुका है। अब हम इनसे अपना अचार तैयार करेंगे। अचार तैयार करने के लिए पहले हम अचार का मसाला तैयार करेंगे। अब हम अचार के लिए मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए गैस के ऊपर हमने एक पैन रख लिया है। अब हम उसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, उसको इस पे डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून सौंफ, 1/2 टेबल स्पून मेथी दाना, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून राई दाना ले रहे हैं, ये 1 टेबल स्पून, और इसी के साथ ये 2 टेबल स्पून। ये देखिए, इस तरीके से लगातार हिलाते हुए अच्छे से हम अपने सारे मसालों को फ्राई कर लेंगे। वाह, ये देखिए, इस तरीके से लगातार हिलाते हुए हमने अपने मसालों को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और मसालों को ठंडा कर लेंगे। देखिए, मसालों को हमने एक अलग प्लेट पर निकाल लिया है। पैन हमारा काफ़ी गर्म है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ये कलौंजी यानी मंगरेल, 1 टीस्पून अजवाइन, और यहाँ पर हम 1 टीस्पून हींग भी ले रहे हैं। हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इस अचार में, तो हींग थोड़ी ज़्यादा ही पड़ेगी। अब इन मसालों को हम थोड़ा सा हिला देंगे। हमें गैस का फ्लेम ऑन नहीं करना है,
इसी तरीके से हल्का सा मसालों को हिला देना है और इसी तरीके से इनके अंदर जो भी मॉइस्चर वगैरह होगा वो निकल जाएगा। अब हम एक सीक्रेट चीज़ और यहाँ पर तैयार करने जा रहे हैं, उसके लिए हमने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है। अब हम लेंगे दो लाल मिर्च, ये देखिए इस तरीके के, और उनको अच्छे से हम भून लेंगे। देखिए इस तरीके से हिलाते हुए मिर्चों को हमें भून लेना है इस तरीके से, और इन मिर्चों को हम अपने मसाले में डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा हमारे अचार में। मसालों को ग्राइंडिंग जार में हमने डाल लिया है। अब हम इनका दरदरा पाउडर तैयार करेंगे। ये देखिए मसाले को हमने दरदरा पीस करके तैयार कर लिया है। हमने एक बॉल ले लिया है, इसमें हम अपना मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर, उसी के साथ जो हमने मसाला पीस करके रेडी किया है उसको भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 teaspoon लाल नमक। अब जो हमने यहाँ पर कलौंजी, अजवाइन और हींग को थोड़ा सा फ्राई करके रखा था उसको भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 tablespoon भर के सफ़ेद नमक। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 बड़ी कटोरी भर करके, लगभग यहाँ पर हम 150 ml ये ले रहे हैं सरसों का तेल, इसको हम इसमें डाल देंगे। मस्टर्ड ऑयल में जब आप अपना अचार बनाते हैं तो अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर हम इसमें और ऐड कर रहे हैं, लगभग ये 1 teaspoon है। आप चाहें तो यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर को स्किप कर सकते हैं क्योंकि हम पहले ही मिर्चें डाल चुके हैं। आप यहाँ पर जो मिर्च लेना है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए सारे मसाले, अचार का मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें करेले डाल देंगे और साथ ही जो हमने प्याज लिए थे इनको भी हम डाल देंगे। देखिए सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए करेला, प्याज और हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि मसालों में जो नमक की मात्रा हो वो बिल्कुल सफिशियंट हो। अगर नमक हमारा कम रहता है तो अचार हमारा जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए अचार में नमक काफ़ी ठीक होना चाहिए। नमक ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको अचार अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब अपने इस अचार को हम एक कांच के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए हम यहाँ पर ये कांच का जार ले रहे हैं। इस जार को वॉश करने के बाद हमने इसको एक दिन धूप में सुखा करके लिया है। जार बिल्कुल सूखा और साफ होना चाहिए, तभी आपका अचार काफ़ी दिनों तक अच्छा रहता है। अब इस जार में हम अपने अचार को ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए हमने अपने अचार को इस कंटेनर में फिल कर लिया है। इस तरीके से हमने इसको फिल कर लिया है ऊपर तक। आपको ऊपर तक यहाँ पर फिल नहीं करना है क्योंकि ऊपर तक फिल करने से आप अचार को आसानी से हिला डुला नहीं पाएंगे। आपको अचार रखने के बाद कम से कम 2 से 3 दिन तक इसको ऊपर से नीचे तक हिलाना है। इसलिए अचार जिस कंटेनर में रखें वो थोड़ा सा बड़ा हो और अचार उससे थोड़ा सा कम हो। साथ ही आप इसको ज़्यादा दिनों तक धूप में मत रखिएगा क्योंकि ये सब्जियों का अचार है, ये जल्दी ख़राब हो सकता है। धूप में ज़्यादा दिनों तक रखने से इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो आप इसको केवल 1 से 2 दिन की ही धूप लगाएं और उसके बाद ये खाने के लिए तैयार है। अगर आपके पास धूप की व्यवस्था ना हो तो आप इसको छाया में रख कर भी इंजॉय कर सकते हैं। बस अचार के ऊपर टाइट कवर मत कीजिएगा इसको, इसके ऊपर हल्का सा कॉटन का कपड़ा रैप कर दीजिएगा और दिन में 1 से 2 बार इसको हिलाने का ध्यान रखिएगा ताकि ऊपर का अचार नीचे और नीचे का अचार ऊपर चला जाए, क्योंकि जो मसाले वगैरह होते हैं वो नीचे जाकर के बैठ जाते हैं जिसकी वजह से ऊपर से हमारा अचार ख़राब होने लगता है। इस तरीके से अचार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे ये अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक और शेयर करें मेरे वीडियोस को। मेरे चैनल इंडियन फूडी फूडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक फॉर वॉचिंग।